हाँ जी दोस्तों, अज असी पहुँचे हाँ जी ड्रैगन पैलेस टैंपल हैगा नागपुर के, बहुत मशहूर हैगा। पहला तो जी बहुत शुक्रिया, तुसी आई डी ब्लॉग देख रहे हो तो मैं पूरी उम्मीद है कि तुसी इसनु पूरा देखोगे तो थोनू पसंद भी आ रहा, तुसी लाइक भी करना। तो अज असी थोनू दिखा रहे नागपुर का जिहड़ा बहुत ही फेमस तो बहुत इतिहासक महत्व रखने वाला ड्रैगन पैलेस टैंपल हैगा। बहुत धर्म के विच इहदी बहुत महत्ता हैगी, तो हुण बस थोड़ी देर तक थोनू लैके चलते हैं। ये नागपुर तो तकरीबन अधे क घंटे की दूरी पर आ, तो आओ थोनू फिर दिखाने की है ये अंदर। हाँ जी, ये जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ये जिहड़ा बहुत वधिया गेट, सुंदर गेट जिहड़ा बनाया गया है, वेलकम टू ड्रैगन पैलेस टैंपल। ये बहुत धर्म विच बहुत महत्व रखने वाला स्थान हैगा। तो ये जिहड़ा तुसीं साइड ते देख रहे हो एक गुंबद टाइप बनिया होया हैगा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संस्कृतिक इहदे अंदर भवन बनाया होया, और ये संस्कृत जिहड़े प्रोग्राम ने चलते रहिंदे ने। ते इहदे बिल्कुल खब्बे हत्थ जब तुसीं गड्डी नूं मोड़ोगे तां तुसीं देखोगे हुण आपां पहुँच चुके हैं जी ड्रैगन पैलेस टैंपल दे विच। तां मेरे पासे तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे जिहड़ियां बुद्ध दियां जिहड़ियां प्रतिमावां तुहानूं बाहर लगियां दिखदियां, और जिहड़ा मेन गेट जिहड़ा हैगा ये इत्थे बिल्कुल मेरे पिछे हैगा। ये जिहड़ा गेट है इहदे राहीं आपां हुण इहदे अंदर जाणा हैगा, ते उहदे विच ही तुहानूं दिखाने आ कि इस पैलेस की जिहड़ी महत्व है वह की है। और यह जिहड़ा व्यू हैगा इस साइड तो तुसी आना हैगा, उस गेट तो बाद आके इतों राइट आके इतने पार्किंग जिहड़ी है बिल्कुल ये हो जानी है। पार्किंग तो बाद जिहड़ा गेट आ वो इधरली साइड है। जिहड़ा ड्रैगन पैलेस का जिहड़ा मुख रस्ता है उहदे आले दुआले तुसी देखो किन्नी ग्रीनरी और किन्नी खूबसूरती नाल इन्हां पौद्यां दी रख रखाव किया गया है। तो तुसी आसमान देखो इस वेले बिल्कुल एक सूरज बिल्कुल सिर ते है, लेकिन फिर भी किन्नी खूबसूरती नाल ये तुसीं देखो नज़ारा बन रहा है। तो मैं इत्थे जिहड़े लोकल सिटीजन ने वह मैनूं मिले ने, ते तुसीं देखो यंग मुंडे हैगे, ये देखो ये छोटा जिहा मुंडा हैगा, ते नाल फोटो शूट वगैरह करने के लिए और भगवान के दर्शन भी करने आए। जय भी तुसीं देख रहे सी ये जिहड़े मुंडे ने वह कहिंदे सी इत्थे आके इन्हां नूं काफ़ी शांति मिलदी है। ये देखो जी, ये है ड्रैगन पैलेस टैंपल जिहड़ा बौद्ध धर्म दे विच बड़े सुंदर तरीके नाल, तुसी देखो आले दुआले किन्नी ग्रीनरी और विच एक बड़ा खूबसूरत जिहा रस्ता जिथों तुसी चल के जाना है अगे, और बड़ा आनंददायक। तुसी ये देखो कि उहदी जिहड़ी बनतर है ड्रैगन पैलेस दी किन्नी शानदार नज़र आ रही है, उहदा देखदे ही नज़ारा बनता है। चारे पासे हरियाली हरियाली, क्योंकि एक बहुत वड्डे गार्डन दे विच इनू बनाया गया है, जो कि जापान दे विचों जिहड़े महात्मा बुद्ध दी जिहड़ी 864 किलो दी जिहड़ी मूर्ति है वह इत्थे सुशोभित कीती गई है, जिहड़ी दिन दे विच तीन वार अलग अलग मुद्रावां विच नज़र आउंदी है। उहदे उत्ते बड़ा खूबसूरत झुंबर लगाया गया है जो उसकी खूबसूरती होर भी वाधा करता है। तो इत्थे मन नूं बिल्कुल शांति मिलती है, क्योंकि चारे पासे हरियाली हरियाली ते गार्डन। तुसी देखो उहदा एक मुख द्वार दा जिहड़ा पौड़ियां दा व्यू है किन्ना शानदार तुहानूं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जापानी तरीके नाल जापानी टकनीक नाल बनाया गया। ये तुसी देख रहे हो जी किन्ना वधिया जिहड़ा गार्डन दा नज़ारा है, और उत्ते खुला आसमान, खब्बे हत्थ चलदे फुहारे, ते एक खूबसूरत पौड़ियाँ जिथों तुसी चढ़ के अंदर जाके महात्मा बुद्ध दी जिहड़ी उह शानदार मूर्ति दे दर्शन कर सकते हो। क्योंकि करोना करके फिलहाल अंदर जाण दी मनाही है, लेकिन असी दूरों ही तुहानूं दर्शन कराने हैं। ये हैगी उह मूर्ति जिथे तुसी जाके उस खूबसूरती दा नज़ारा लै सकते हो। ये 864 किलो दी मूर्ति हैगी जिहड़ी जापान तो इत्थे लियाई गई है जी।
ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਰਡਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सुलेखाता कुंभार एक जमीन है और नोरी को ओगावा मैडम का पैसा है, दोनों मिला के बनाया है। तो ये क्या चीज है? ये जापान के लोगों ने गौतम बुद्ध की वो मूर्ति एक ही पीस की 868 किलो की है यहाँ पे रखी हुई है। ये ड्रैगन पैलेस नागपुर तो कुछ मिनटा दी दूरी ते ही स्थित है। जदो भी तुसी नागपुर आओ ता एक बार इत्थे जरूर आओ, अपनी फैमिली नूं लै के, अपने दोस्तां नूं लै के, क्योंकि अगर तुसी मन दी शांति कुछ समय लई चाहुंदे हो तां इत्थे आना थोड़ा बनदा है।